बिजनेस आज तक में आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों देश की इकोनॉमी के सामने मौजूद ब्रेकर्स को लेकर वित्त मंत्रालय ने जताई है चिंता। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे भारत ने लॉजिस्टिक्स की ग्लोबल रैंकिंग में लगाई है छलांग और देखेंगे क्यों घटा देश में स्मार्टफोन का उत्पादन। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 से। वित्त मंत्रालय ने मासिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रास्ते में तीन ब्रेकर्स की आशंका जताई। कृषि उत्पादन में कमी, महंगाई और जियोपॉलिटिकल समस्याओं को बताया खतरा। बीते छह महीनों में स्मार्टफोन की डिमांड में कमी आने से स्मार्टफोन मेकर्स ने उत्पादन में 20% की कटौती की। मांग में कमी केवल नई एंट्री लेवल और मिड सेगमेंट के फोन में आई। रिफर्बिश्ड फोन के मामले में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ। इस मार्केट में एप्पल की 49% और सैमसंग की 26% हिस्सेदारी। शिकागो सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जा रहा न्यू नोएडा का मास्टर प्लान। विदेशों की तरह ही सिटी में इंडस्ट्रियल जोन और रेजिडेंशियल जोन भी बनाए जाएंगे। 2022-23 में TCS, इंफोसिस और HCL ने 65% कम हायरिंग की है। टॉप 3 भारतीय आईटी कंपनीज में अमेरिकी, यूरोप और बैंकिंग संकट और मंदी की आशंकाओं के चलते घटाई हायरिंग। टियर 2 और 3 शहरों में होटल्स रूम्स की हिस्सेदारी कुल रूम्स में 2018 के 33% से बढ़कर 38% हुई। वीकेंड और धार्मिक ट्रैवल की वजह से छोटे शहरों में बड़े होटल्स चांसेस का विस्तार। मार्च में ब्लू कॉलर जॉब्स के मौकों में 7% की बढ़ोतरी हुई। सिक्योरिटी सर्विसेज की मांग बढ़ने से ब्लू कॉलर कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर 57 लाख के पार। भारत में 83% कर्मचारी इस साल अपने स्किल को सुधारने पर ध्यान देंगे। दुनिया भर के 74% के औसत के मुकाबले भारत में ज्यादा लोग स्किल को लेकर जागरूक है। कोरोना के बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुरू हुई टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज पर अब तक 1 लाख कॉल आई। 2022 में 24 घंटे की टेली मानस सेवा शुरू की गई थी। इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश चैप्टर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा डेलीगेट्स ने पेंट इंडस्ट्री की समस्याओं पर चर्चा की। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय इकोनॉमी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। वित्त मंत्रालय ने मासिक समीक्षा के बाद तीन चुनौतियों से सतर्क रहने की हिदायत दी है और इसमें कृषि उत्पादन है, महंगाई और जियोपॉलिटिकल चुनौतियां शामिल हैं। भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी तो कहा जा रहा है, इसके बावजूद वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में आगाह किया है कि भारत की ग्रोथ के सामने कुछ ब्रेकर्स का खतरा बरकरार है। वित्त मंत्रालय ने भारत को कृषि उत्पादन में कमी, कीमतों में बढ़ोतरी और जियोपॉलिटिकल बदलाव जैसे संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा के मार्च एडिशन में कहा है कि 2022-23 में 6.5% की विकास दर हासिल करना मुमकिन है। वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा है कि अलनीनो से सूखे जैसे हालात बन सकते हैं, इससे कृषि उपज में कमी और दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था में मजबूती देखी जा रही है और इसके 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। चालू खाता घाटे में सुधार और हाल में महंगाई के दबाव में आई कमी की वजह से भी आर्थिक हालात दुरुस्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अप्रैल में अमेरिका और यूरोप में आए बैंकिंग संकट से भी भारत को महफूज बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई है और इसके दायरे में आने वाले संस्थान बढ़े हैं। बैंकों पर दबाव का परीक्षण भी समय समय पर किया जाता है। भारत के बैंकिंग सेक्टर में मजबूती की एक बड़ी वजह यहाँ पर जमाकर्ताओं की आदतों को माना जा रहा है। समीक्षा के मुताबिक भारत में 63% जमा परिवार करते हैं जो जल्दी निकासी नहीं करते। ऐसे में भारत के बैंक अमेरिका और यूरोप के बैंकों से अलग हैं। इसके साथ ही भारत को महंगाई के मोर्चे पर भी बड़ी सफलता मिली है। 2021-22 में जहां रिटेल महंगाई दर 5.5% रही थी, वहीं 2022-23 में ये बढ़कर 6.7% पर पहुंच गई। लेकिन पहली छमाही में इसकी चुनौती इतनी बड़ी थी कि ये अप्रैल सितंबर 2022 में 7.2% पर पहुंच गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक ये 6.1% पर आ गई। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज की कीमतों में कमी के साथ ही सरकार के कदमों और आरबीआई की मौद्रिक सख्ती रही है। इसके साथ ही चालू खाता घाटे के कम होने, विदेशी पूंजी के आने से अब विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज तक फिरो।
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने जोरदार सुधार किया है और यह सफलता सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 50% घटाने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे में अगर सरकार अपने टारगेट पर कामयाब हो जाती है तो फिर लोगों को भी महंगाई में कमी का फायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। 2023 की रैंकिंग में 139 देशों के बीच भारत ने अपने परफॉर्मेंस में ये सुधार किया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अब भारत लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 6 स्थान आगे बढ़कर 38वीं स्थान पर पहुंच गया है। इसके पहले 2018 में भारत 44वें स्थान पर और 2014 में 54वें रैंक पर था। इस सुधार की वजह इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के साथ ही टेक्नोलॉजी में किया गया भारी भरकम निवेश है। रैंकिंग में आए इस उछाल का सीधा मतलब है कि भारत में लॉजिस्टिक का खर्च कम होने की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर है जब माल ढुलाई समेत तमाम तरह के लॉजिस्टिक खर्च घटेंगे तो महंगाई में भी कमी आ सकती है। वैसे भी सरकार ने लॉजिस्टिक का खर्च घटाने की तैयारी के तहत लक्ष्य रखा है कि देश में लॉजिस्टिक लागत को 2024 तक 9% लाया जाएगा। ये लक्ष्य इस लिहाज से काफी महत्वाकांक्षी है कि फिलहाल लॉजिस्टिक लागत 16% है। देश में माल परिवहन की लागत कम करने के लिए सरकार नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लेकर आई है। इसका मकसद उत्पादों के आवागमन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के साथ ही माल ढुलाई की लागत को कम करना है। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के जरिए सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने के साथ ही रोजगार पैदा करने पर फोकस कर रही है। इससे आम लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि माल भाड़ा कम होने से सभी सामान के दाम घटेंगे। इससे आम लोगों को महंगाई से कुछ हद तक निजात मिलेगी। लॉजिस्टिक लागत को कम करने से भारत को चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों की बराबरी करने में मदद होगी। चीन में लॉजिस्टिक लागत 10% और अमेरिका और यूरोप में 8% है। इसे कम करने के लिए सरकार जलमार्ग, रेलवे, सड़क के बाद अब हवाई मार्ग को भी लोकप्रिय साधन बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगले 5 साल में देश के कई शहरों में हवाई सेवा और एयरपोर्ट्स को विकसित किया जाएगा। माल ढुलाई के लिए अब एयर कार्गो की लागत को भी कम करने की कवायद चल रही है। अब सभी लॉजिस्टिक माध्यमों के लिए एक कानून बन जाने से सही मायने में बहुस्तरीय परिवहन को सहूलियत मिलेगी। एक ही पोर्टल से हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग से सामान भेजना आसान होने के बाद भारत की रैंकिंग में आगे भी सुधार का अनुमान है। आज तक ब्यूरो बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।